नमस्कार। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की श्रृंखला में अगली कहानी जो मैं पढ़ने जा रहा हूं उसका नाम है सवा शेर गेहूं। मानसरोवर के भाग चार की ये कहानी बहुत फेमस है। सवा शेर गेहूं पर फिल्म भी बनी है, कईयों ने इस पर शॉर्ट फिल्म बनाई है, प्ले किए हैं। काफी चर्चित कहानी है ये मुंशी प्रेमचंद की। तो लीजिए प्रस्तुत करता हूं सवा शेर गेहूं। किसी गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी था, अपने काम से काम, न किसी के लेने में न किसी के देने में। छक्का पंजा तो जानता ही नहीं था, छल प्रपंच की उसे छूत भी न लगी थी, ठगे जाने की चिंता भी न थी। न ठग विद्या जानता था और न ही उसको अपनाता था। भोजन मिला खा लिया, न मिला चबेने पर काट दी, चबैना भी न मिला पानी पी लिया, राम का नाम लेकर सो गया। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता था तो उसे इस निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता था, विशेषकर जब साधु महात्मा पदार्पण करते थे तो उसे अनिवार्यतः सांसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। खुद भूखा सो सकता था पर साधु को कैसे भूखा सुलाता, भगवान के भक्त जो ठहरे। एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीताम्बर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊं पैर में, ऐनक आंखों पर, संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा था जो रईसों के प्रसादों में तपस्या, हवा गाड़ियों पर देवस्थानों की परिक्रमा और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते हैं। घर में जौ का आटा था, वो उन्हें कैसे खिलाता। प्राचीन काल में जौ का चाहे जो कुछ महत्व रहा हो पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य होता है। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाता हूं, पर गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी न था, अतएव देवताओं का खाद्य पदार्थ कैसे मिलता। सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहां से थोड़ा सा मिल गया। उनसे सवा शेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा कि पीस दे। महात्मा ने भोजन किया, लंबी तान कर सोए, प्रातः काल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। विप्र महाराज साल में दो बार खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, सवा शेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं, पंसेरी बदले कुछ ज्यादा खलिहानी दे दूंगा, ये भी समझ जाएंगे मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र जी पहुंचे तो उन्हें डेढ़ पंसेरी के लगभग गेहूं दे दिया और अपने को उदृढ़ समझकर उसकी कोई चर्चा न की। विप्र ने भी फिर कभी नहीं मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था कि ये सवा शेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। वक्त बीता, 7 साल गुजर गए, विप्र जी विप्र से महाजन हो गए और शंकर किसान से मजदूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उनसे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग अलग होकर मजदूर हो गए। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने ना पाए, किंतु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले वो फूट फूट कर रोया, आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे, एक रोएगा दूसरा हंसेगा, एक के घर मातम होगा तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज सब टूट जाता है। उसने भगीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था, उसे अपने रक्त से सींचा था, उसको जड़ से उखड़ता देखकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। 7 दिन तक उसने दाने की सूरत तक न देखी, दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेट कर सो जाता। इस भीषण वेदना और दुस्सह कष्ट ने रक्त को जला दिया, मांस और मज्जा को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से न उठ सका, अब गुजर बसर कैसे हो। 5 बीघे के आधे रह गए, 1 बैल रह गया, खेती क्या खाक होती। अंत को यहां तक नौबत हुई कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई, जीविका का भार
मजूरी पर आ पड़ा। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो राह में वही विप्रजी मिल गए। विप्रजी ने टोककर कहा, शंकर कल आकर के अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहां 5.5 मन गेहूं कब के बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। हजम करने का मन है क्या? शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे जो 5.5 मन हो गए? तुम भूलते हो मेरे यहां किसी का छटाक भर न अनाज है न पैसा उधार। विप्र ने कहा, इसी नियति का तो ये फल भोग रहा है कि खाने को नहीं जुड़ता। ये कहकर विप्र जी ने उस 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज के 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया, ईश्वर मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी दी है, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया है? जब पोथी पतरा देखने आते हैं साहित सगुन विचारने द्वार पर आते थे, कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे, इतना स्वार्थ। 1.25 सेर अनाज को अंडे की भांति सेकर आज पिशाच जैसा खड़ा कर दिया जो मुझे निगल जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तौल कर दे देता, क्या इसी नियत से चुप साधे बैठे रहे? बोला, महाराज नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहानों में शेर शेर 2-2 सेर दिया है, और आज आप 5.5 मन मांगते हैं, कहां से दूंगा मैं? विप्र ने कहा, लेखा जो जो बख्शीस 100-100, तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं, चाहे 1 की जगह 4 पसेरी दे दो। तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम छेक दूंगा, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। शंकर ने कहा, पांडे क्यों ये गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं है, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? विप्र ने कहा, जिसके घर से चाहे लाओ, मैं छटाक भर भी न छोड़ूंगा। यहां ना दोगे भगवान के घर तो दोगे? शंकर कांप उठा। हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे, वहां की तौल यहां से कुछ बड़ी तो ना होगी, कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, पर उसकी क्या चिंता। किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर न था। एक तो ऋण, वो भी ब्राह्मण का, बही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा, इस ख्याल से ही उसे रोमांच हो गया। बोला, महाराज तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा, ईश्वर के यहां क्यों जाने दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूं, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? मगर ये कोई नियाव नहीं है, तुमने राई का पर्वत बना दिया है। ब्राह्मण होके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसी घड़ी तगादा करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता? मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहां जवाब देना पड़ेगा। विप्र ने कहा, वहां का डर तुझे होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहां तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं, देवता ब्राह्मण हैं, जो कुछ बनेगी बिगड़ेगी संभाल लेंगे। तो बता कब देता है? शंकर ने कहा, मेरे पास रखा तो है नहीं महाराज, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी तो दूंगा। विप्र ने कहा, मैं ये नहीं मानूंगा, 7 साल हो गए हैं, एक दिन का भी मुलाहिजा ना करूंगा, गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिखवा लूंगा। शंकर ने कहा, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखाओ, किस हिसाब से दाम रखोगे? विप्र ने कहा, बाजार भाव 5 सेर का है, तुझे 5.25 सेर का काट दूंगा। शंकर ने कहा, जब दे ही रहा हूं महाराज तो बाजार भाव काटूंगा, पाव भर छुड़ाकर क्यों दोषी बनूं? हिसाब लगाया तो गेहूं के दाम 60 हुए। 60 का दस्तावेज लिखा गया, 3 सैकड़े सूद, साल भर में न देने पर सूद की दर 2.5 रुपए सैकड़े, 8 आने का स्टैंप, 4 आने दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर ने विप्र जी की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं, महाजन से सभी का काम पड़ता है, उसके मुंह कौन आए। शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की, मियाद के पहले रुपए अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया। दोपहर को पहले भी चूल्हा न जलता था, चबैने पर बसर होती थी, अब वो भी बंद हो गया। केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती, कुछ पैसे का रोज तंबाकू पीता था, यही एक व्यसन था जिसका वो कभी त्याग न कर सका। अब वो व्यसन भी इस कठिन व्रत की भेंट हो गया। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली।
कपड़े पहले भी त्याग की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे, अब वो प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में आबाद हो गए। शिशिर की अस्थि बेधक शीत को उसने आग ताप कर काट दिया। इस संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपए जमा हो गए। उसने समझा, पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूंगा, महाराज बाकी रुपए भी जल्द ही आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगा। 15 रुपए की तो और बात है, क्या पंडित जी इतना भी न मानेंगे। उसने रुपए लिए, ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पण कर दिए। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार लिया क्या रे? शंकर ने कहा, नहीं महाराज, आपके आशीष से अब की मजूरी अच्छी मिल गई। विप्र ने कहा, लेकिन ये तो 60 ही रुपए हैं। हां महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीने में दे दूंगा, मुझे उरीन कर दीजिए। विप्र ने कहा, उरीन तो जब ही होगी जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका देगा। जाकर मेरे 15 रुपए और लेके आ। शंकर ने कहा, महाराज इतनी तो दया करिए, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, गांव में हूं तो कभी ना कभी दे ही दूंगा। विप्र ने कहा, मैं ये रोग नहीं पालता, न बहुत बातें करना जानता हूं, अगर मेरे पूरे रुपए न मिलेंगे तो आज से 3 रुपए सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहां छोड़ जाओ। शंकर ने कहा, अच्छा जितना लाया हूं उतना रख लीजिए, मैं जाता हूं, कहीं से 15 रुपए और लाने की फिक्र करता हूं। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए न दिए। इसलिए नहीं कि उसका विश्वास न था या किसी के पास रुपए न थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी में हिम्मत न थी। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब ऋण से मुक्त होने में सफल न हो सका तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणित हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपए से अधिक न जमा कर सका तो अब और कौन सा उपाय है जिसके द्वारा उसके 2 रुपए जमा हो। जब सिर पर ऋण का बोझ ही लादना है तो क्या मन भर और क्या सवा मन का। उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है, आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। वो जरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था अब द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारिणी न थी, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचिनिया हो गई थी, जो अपने भेंट लिए बिना जान नहीं छोड़ती। कपड़ों में चकतियों के लगने की भी एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वो रुपए जमा न करता, कभी कपड़े लाता, कभी खाने की कोई वस्तु। जहां पहले तमाकू ही पिया करता था, वहां अब गांजे और चरस का चस्का भी लगा लिया। उसे अब रुपए अदा करने की कोई चिंता न थी, मानो उसके ऊपर किसी का एक पैसा भी नहीं है। पहले जुड़ी चढ़ी होती थी, पर वो काम करने अवश्य जाता था, अब काम पर न जाने के लिए बहाना खोजा करता। और इसी भांति 3 वर्ष निकल गए। विप्र जी महाराज ने एक बार भी तकाजा न किया। वो चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को चौंकाकर उसकी नीति के विरुद्ध काम नहीं करना चाहते थे। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपए जो तूने जमा किया था वो मिनहा करने पर अब भी तेरे जिम्मे 120 रुपए निकलते हैं। शंकर ने कहा, महाराज इतने रुपए तो अब उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में तो नहीं हो सकता। विप्र ने कहा, मैं तो इसी जन्म में लूंगा, मूल न सही सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर ने कहा, एक बैल है वो ले लीजिए, और मेरे पास रखा क्या है। विप्र ने कहा, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है, मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर ने कहा, और क्या है महाराज? विप्र ने कहा, कुछ है तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजूरी करने जाते ही होगे, मुझे भी खेत के लिए मजदूर रखना ही पड़ता है, सूद में तुम हमारे यहां काम किया करो, जब सुभीता हो मूल को दे देना। सच तो यों है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते जब तक मेरे रुपए नहीं चुका दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है, इतनी बड़ी गठरी में किस एतबार पर छोड़ दूं? कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम मुझे महीने महीने सूद देते जाओगे, और कहीं कमाकर जब तुम मुझे सूद भी न दे सकते तो मूल की कौन कहे? शंकर ने कहा, महाराज सूद में तो काम करूंगा और खाऊंगा क्या। विप्र ने कहा, तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ पांव काट के बैठेंगे?
रहा मैं, तुम्हें आधा सेर जौ रोज कलेवा के लिए दे दिया करूंगा। ओढ़ने को साल में एक कंबल पा जाओगे, एक मिर्जई भी बनवा दिया करूंगा। और क्या चाहिए? यह सच है कि और लोग तुम्हें 6 आने देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है। मैं तुम्हें रुपए भरने के लिए रखता हूं। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज ये तो जन्म भर की गुलामी हुई ना। विप्र ने कहा, गुलामी समझो चाहे मजूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुमको कभी न छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा, हां जब कोई ना रहेगा तब की बात दूसरी है। इस निर्णय की कहीं अपील न थी, मजूर की जमानत कौन करता, कहीं शरण न थी, भागकर कहां जाता। दूसरे दिन से उसने विप्र जी के यहां काम करना शुरू कर दिया। सवा सिर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष होता था तो ये था कि वो मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। स्त्री को वे काम करने पड़ते थे जो उसने कभी न किए, बच्चे दानों को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। वो गेहूं के दाने किसी देवता के शाप की भांति यावत जीवन उसके सिर से न उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहां 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस दुस्सार संसार से प्रस्थान किया। 120 अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा। इतने अन्यायी इतने निर्दयी न थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वो भी विप्र जी के यहां काम करता है। उसका उद्धार कब होगा, होगा भी या नहीं, ईश्वर जाने। पाठक इस वृतांत को कपोल कल्पित न समझिए, यह सत्य घटना है और ऐसे कई शंकर और ऐसे कई विप्रों से दुनिया भरी पड़ी है।